हेलो फ्रेंड्स, चारू मात्रा सोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में रसमलाई बनाना देखेंगे, जो कि हम सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बनाना बताएंगे। सो आइए शुरू करते हैं अपना कुकिंग करना। हमें केसर मलाई बनाने के लिए बेसिकली सिर्फ दूध की ही जरूरत होगी। हमने ये 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है, जिसमें से कि हम 1 लीटर दूध का अपना छेना बना के तैयार करेंगे और बाकी बचे हुए दूध को थोड़ा थिक करेंगे, जिसमें से हम अपनी रसमलाई को डिप करके रखेंगे। हमने ये 1 कटोरी चीनी ली हुई है चाशनी बनाने के लिए और विनेगर लिया हुआ है अपने दूध में से छेने को निकालने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं अपनी केसर रसमलाई बनाना। सबसे पहले हम अपने दूध को बॉयल होने के लिए गैस पे रख देते हैं। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसको हम पूरी तरीके से बॉयल होने देते हैं। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हल्का सा चलाते हुए इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा दूध अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है और 2 टेबलस्पून ही पानी मिला के एक गोल बना के तैयार किया है। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपने दूध में डालते जाएंगे, जब तक कि हमारा दूध कर्डल नहीं कर जाता है या फिर फट नहीं जाता है। तो चलाते रहेंगे साथ साथ में। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमें विनेगर से, या फिर अगर आप विनेगर नहीं है तो नींबू के रस से भी इसको इस तरीके से छेना निकाल सकते हैं, लेकिन दूध को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। अदरवाइज हमारा दूध जो छेना निकल के आएगा वो काफ़ी हार्ड होगा, एकदम चुई टाइप से बन के तैयार होगा। देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट छेना बन के तैयार हो गया है। हमारा अभी इतना मिक्सचर बाकी बचा हुआ है जो कि हम और नहीं डालेंगे। इसको आइए एक छलनी और कपड़े की मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं। हमने इस तरीके से एक बड़ा बाउल लिया है, उसके ऊपर अपने स्ट्रेनर को रखा है और उसके ऊपर भी हम, आप चाहे मनमल का कपड़ा हो वो भी छा सकते हैं, या कोई सूती पतला कपड़ा हो, या इस तरीके से रुमाल से भी आप स्ट्रेन कर सकते हैं। और जो हमारा मिक्सचर है छेने का, उसको इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। इसको चारों तरफ से ऐसे उठा लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेते हैं और इसे हम अभी ठंडे पानी से पहले वॉश करेंगे। अपने हम अपने बॉल का पानी हटा देते हैं। तो आप चाहें इसका आटा लगाने में या दही जमाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने बचे हुए, हमने पानी नीचे का ड्रेन कर दिया है और अपने छेने को थोड़ा सा ताज़ा पानी लेके साफ पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें किसी तरीके की खटास ना रह जाए। 2 से 3 बार इसको हम वॉश कर लेंगे इसी तरीके से और इसे हम इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमारा एक्स्ट्रा पानी जितना निकलता हो इसको इस तरीके से आप अच्छे से स्क्वीज करके निकाल लीजिएगा और फिर इसको हम आधे घंटे के लिए थोड़ा रख देंगे रेस्ट देने के लिए। आप चाहें इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप एसी में भी इसको रख सकते हैं एक प्लेट में इसी तरीके से। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस शो करेंगे। हमने ये दूसरे पैन में अपना 1/2 लीटर जो दूध था वो निकाल लिया है। इसको हम थोड़ा सा थिक होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारी ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और हमारा मलाई दूध बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे हम पहले थोड़ा बॉईल होने देते हैं। दूध थिक हो चुका है, हमें बहुत ज़्यादा थिक इसके लिए मलाई के लिए दूध नहीं करना है। आपने देखा होगा जो मार्केट में भी हमें रसमलाई मिलती है उसका दूध एकदम बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिल्क क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं अच्छा लगता है। हमने ये कुछ केसर के धागे लिए हुए थे, जिनको हमने इस तरीके से अपने दूध में सोक करके रखा हुआ है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये कुछ पिस्ता काट के रखे हुए हैं 1 टीस्पून, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये दूध बन के तैयार हो गया है। आइए इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और अपनी रसमलाई बनाने का प्रोसेस शो करते हैं। हमारा छेने को रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको लेंगे और पहले हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे। हमें इतनी हथेलियों के मदद से इसको एकदम स्मूथ बना के तैयार कर लेना है। तो हमें इस तरीके से मसल मसल के ही छेने को स्मूथ करना है। इसमें हमें लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जब ये हमारा स्मूथ होगा तभी हमारी रसमलाई बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। हमने अपने छेने को 5 मिनट हो गए हैं इसको अच्छे से मसलते हुए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर मिला के और इसको 5 मिनट के लिए मसलेंगे। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी हमें बस 1 टेबलस्पून ही मिलानी है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर हमें मिला के ऐड नहीं करना है। उसके बाद सेम इसी प्रोसेस से इसको और 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है।
देख सकते हैं हमारा पनीर जो है, छेना जो है, वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। आइए अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इतना जितना साइज आपको रसमलाई का रखना हो, छोटा या बड़ा, आप उस हिसाब से इसके बॉल्स बना सकते हैं। और हमें इस तरीके से हाथों के बीच में रखते हुए इसको सॉफ्ट करना है, गोल राउंड देनी है, जिससे कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप सब तरफ से देख सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई भी क्रैक नज़र नहीं आ रहा है। हल्का सा हम प्रेस करेंगे, बहुत हल्का सा, इतना बस, क्योंकि हम ये दूध वाली रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ला नहीं बना के तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने अपने सारे रसमलाई के बॉल्स को बना के तैयार करके रख लिया है। इसमें हमारे 8 से 9 पीस बन के तैयार हुए हैं। आइए इसको अब हम चाशनी में कुक करने के लिए रखेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें अब हम अपना जितनी चीनी ली है उससे हम चौगना पानी इसमें ऐड करेंगे। सो हमारी 1 कटोरी चीनी है, इसमें हम अपनी 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ये हमने 4 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है। 4 कटोरी पानी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें अपनी रसमलाई की, छेना की जो बॉल्स हमने बना के तैयार करी हैं, उन्हें हमें इसी चाशनी में कुक करना होता है। इसलिए ये सिर्फ गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला ही रहना चाहिए इसको कुक करते समय। हम अपनी गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं। मैं अपनी जो हमने चीनी ली हुई है उसको इसमें ऐड करेंगे। चीनी को मेल्ट होने देते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद ही जब इसमें हमारा अच्छे से बॉईल आने लगेगा तब हम अपने छेना की बॉल्स को, रसमलाई की बॉल्स को इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा केसर वाला दूध बचा लिया था जिससे कि हमारा हम केसर रसमलाई बना रहे हैं, सो हमारी रसमलाई में भी केसर का फ्लेवर आना चाहिए। हम इसको अपनी चाशनी में ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं हमारी चाशनी में घोल उबाल आना शुरू हो चुका है। इसमें हम एक एक करके अपनी बॉल्स को ड्रॉप करते जाएंगे। पहले थोड़े थोड़े हम इनको गैप पे रख के डालेंगे क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ये हल्की सी फूल के बाहर आएंगी, सो उनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए जिससे कि अच्छे से ये कुक हो सके। अब हम इन्हें इसी तरीके से 5 मिनट के लिए बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं और इसी तरीके से इसको हम तेज फ्लेम पे कुक होने देंगे। एक साइड से इन्हें कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हम इनको इस तरीके से सेंटर में पानी से चलाएंगे। इनके ऊपर हम कोई भी स्पून या लैडल को अपने नहीं लगाएंगे। अब हम इनको हल्के हाथ से बहुत ही फ्लिप करते जाएंगे जिससे ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आपको मेंटेन करते हुए चल रहा है। इनको भी इसी तरीके से कुक होने देते हैं और जो बीच में खाली जगह हो उसमें आप अपने स्पून या लैडल को घुमाइएगा। 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। हमें इसको बनाते हुए एक चीज और भी यहाँ ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये पानी में आप देख सकते हैं शुगर सिरप में जो हमारे ये बबल्स आ रहे हैं, झाग बन रहे हैं, ये झाग बनने खत्म नहीं होने चाहिए या हमारा पानी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी में पानी कम रह गया है और आपकी रसमलाई अभी नहीं हुई है, सो उसमें आप थोड़ा थोड़ा आधा कप करके उबलता हुआ पानी और ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी रसमलाई जो है बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए साइज में भी ऑलमोस्ट हमने जितनी बॉल्स इसकी डाली थी उससे डबल हो गई है। हम इस स्टेज पे अपनी गैस को बंद कर देंगे। हमने इन्हें टोटल 15 मिनट्स के लिए कुक किया है। जो अपना दूध ट्रांसफर करके रखा था उसमें अपनी इन रसमलाइयों को ड्रॉप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी रसमलाइयां इस दूध में पोर करके रख दी हैं। अब हम अपना दूध थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि रसमलाई तो ठंडी ही खाने में मजेदार लगती है। सो इसको देखने में ये बहुत ही यमी लग रही है और आपने देख भी लिया कि इनको बनाना कितना ही आसान है। सो घर पे इतनी अच्छी डिलीशियस रसमलाई, केसर रसमलाई आपकी बनके तैयार है और जिसके लिए बहुत ज्यादा समय की और बहुत ज्यादा चीजों की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा किया है, उसके बाद हमने इसको बॉल में सर्व किया है। आइए हम आपको एक बारी कट करके दिखाते हैं कि हमारी रसमलाई कितनी देखने में बहुत ही अच्छी, टेस्टी, यमी लग रही है और कट करने में भी देखिए एकदम बाजार जैसे अंदर से सॉफ्ट बनके हमारी तैयार हुई है। सो इसको आप जरूर बना के तैयार कीजिएगा। इस तरीके से आप लोग सारे टिप्स को फॉलो करते हुए रसमलाई बना के तैयार कर सकते हैं। आपकी रसमलाई बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।